चलो चलो, अभी तो लंबी वॉक है, अगर चाबी आपके पास नहीं है तो। क्या अब हमें बाइक की चाबी मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो हम आगे प्रोसीड कैसे करते हैं? गाइस, चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। थक गए। इट्स नॉट देयर। नहीं होती तो बाइक इधर नहीं होती ना। ही इज हियर। निकल रे। अल्जाइमर हो गया इनको। घंटे से चाबी ढूंढ रहे। चलो, गुड थिंग। बहुत गुड थिंग। हंग्री। अभी अभी ब्लड प्रेशर हाई था बंदे का। इतना ब्लड प्रेशर आया था, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। और अभी भाई, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप विद सचिन वोरा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फाइनली अ साइग ऑफ रिलीफ। हाँ, वाज इन टेंशन कि चाबी कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे। एक्सपीरियंस हो गया। नो, शुड नॉट बी केयरलेस नेक्स्ट टाइम। इसका तो फिर भी ठीक था, मेरी हालत खराब है। तीन बार ढूंढ के आया था चाबी। चाड़े वाड़े में ढूंढ रहा हूँ, जब जिधर गए थे। काफी अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी छाव के नीचे अब गरम दिमाग ठंडा होते हुए। सो मीट यू द नेक्स्ट पॉइंट। महाबलेश्वर मंदिर अभी हमने विजिट किया। महाबलेश्वर टेम्पल, इट इज 800 प्लस ईयर्स ओल्ड टेम्पल, और उसका जो शिवलिंग है दैट इज मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी माता जी का सुवर्ण तुल्ला, मतलब वेइंग इन गोल्ड, इसी मंदिर में किया था। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल। अभी हमने दर्शन किए अति बलेश्वर शिव जी के। दिस इज ऑल्सो 800 प्लस ईयर ओल्ड टेम्पल, और यहाँ का जो शिवलिंग है वो भी 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। उसे अभी कॉपर के स्ट्रक्चर से कवर किया हुआ है। सेम गोज विथ महाबलेश्वर टेम्पल। उसका जो शिवलिंग है वो रुद्राक्ष के रूप में था, और वो भी 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। तो चलिए अब चलते हैं पंचगंगा टेम्पल की तरफ। अभी हमने दर्शन किए पंचगंगा मंदिर का। यहाँ पे कृष्णा, कोयना, मीना, सावित्री, इन नदियों का उद्गम स्थल है। इसके अलावा भागीरथी और सरस्वती, ये दो नदियाँ गुप्त है। भागीरथी हर 12 साल और सरस्वती हर 60 साल के बाद कृष्णा नदी को मिलती है। After visiting old Mahabaleshwar, our next destination for the day is Veena Lake. अभी हम पहुंचे हैं वीना लेक। जो आप पीछे देख रहे हो ये है वीना लेक। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो और हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ ही थोड़ी आगे वहाँ पे यू कैन एंजॉय द राइड्स अलोंग विद फूड स्टॉल। लुक एट द क्यू ऑफ बोटिंग। बोटिंग के लिए लाइन देखिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड मैप्रो गार्डन। चलो अब जोरदार भूख लगी है, वी विल गो एंड एंजॉय सम फूड। दीस आर स्ट्रॉबेरी गार्डन्स ऑफ मैप्रो।
और ये इनका रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो वुड फायर पिज्जा बनते हुए। जो पिज्जा का डो है वो यहाँ पे ही इन हाउस बनाया जाता है। सो गाइस, अभी तो जोरो की भूख लगी हुई है। मैंने ऑलरेडी दो डिश ऑर्डर कर दी है, एक है फ्रेंच फ्राइज और एक है ग्रिल सैंडविच। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद ग्रिल सैंडविच। काफी गर्म है और काफी चीजी है, लोडेड विद वेजिटेबल्स। ये इनके जो ब्रेड्स है वो खुद बेक करते हैं। एवरीथिंग इज इन हाउस। नाउ लेट्स ट्राई फ्रेंच फ्राइज। मैंने इसके ऊपर डबल मसाला डलवाया। यम्मी, क्रिस्पी आउटसाइड एंड सॉफ्ट इनसाइड। इनका मसाला अलग है। जीरे का टेस्ट डोमिनेटिंग है विद धनिया। जीरा एंड धनिया का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये आराम से ये खाना इंजॉय करेंगे विद अ गार्डन व्यू। आवर लास्ट डेजर्ट फॉर द डे, स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम। हैव मैनेज टू गेट सम स्ट्रॉबेरी पीसेस अलोंग। इट्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैड इन द मॉर्निंग। जो सुबह हम लोग ने खाया था बगीचा में, देट वॉज फ्रेश क्रीम विद स्ट्रॉबेरी पीसेस। और ये है स्ट्रॉबेरी क्रीम विद स्ट्रॉबेरी पीसेस। और इसका जो क्रीम का फ्लफीनेस है वो नेक्स्ट लेवल है। सो बोथ स्ट्रॉबेरी विद क्रीम्स आर डिफरेंट और दोनों का ही अपना ही मज़ा है। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है क्रीम स्ट्रॉबेरी। और फिर नीचे जाके पता चला कि इट ऑल्सो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम, स्ट्रॉबेरी पीसेस एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। डिलाइट फॉर स्ट्रॉबेरी लवर्स। नाइस, मजा आ रहा है। अभी जल्दी से फटाफट ये खत्म करते हैं और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं पुणे के लिए। अब भी देख के एंजॉय करो, अब आगे एंजॉय करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आर फूड एट मैप्रो, वी स्टार्टेड आर रिटर्न जर्नी। अंधेरों में ये पूरे घाट का सफर पार करते हुए हम जा पहुँचते हैं एक्सप्रेस वे पे। और कात्रज टनल पार करके हम एंटर करते हैं पुणे सिटी। सो इट्स डे 3 हमारे बाइक राइड का और हम आज जा रहे हैं पुणे से मुंबई। We will try to capture a sunrise, so we are leaving early today. So let's see if we can see a sunrise on our way back. As we started our journey very early, it was very chilling. और हमें काफी ठंडी लग रही थी बाइक पे because of wind. But हमें फिर आगे जाके sunrise दिखता है, but वो हमारे बैक साइड पे होता है। सो हम ये जर्नी कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट एंगल्स एंड शॉट्स लेते हुए हम जा पहुँचते हैं कामशेद। और ये देखो यहाँ के नज़ारे है ना ब्यूटीफुल। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। टाइपिंग भी नहीं कर पा रहे मोबाइल पे, हाथ इतने फ्रीज हो गए हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच लोनावाला। सो इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हमें राइड स्टार्ट किए हुए और अभी हम लोग कात्रज से वेट एंजॉय तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा ब्रेक लिया है टू नॉर्मलाइज आर हेड एंड फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। हम वापस आए हैं गोल्डन वडा पाव के पास इन लोनावाला और हम खाएंगे मूंग दाल भजी।
तो हमने पार्सल ले लिया है और एक अलग जगह पे एंजॉय करेंगे अभी तक व्यू। चलो इट वॉज अ लॉन्ग डे यस्टरडे। कल हमने ट्रैवल किया फॉर 14 hours ऑन बाइक फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर, महाबलेश्वर घूमे और रिटर्न आए। वी कुड नॉट कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ महाबलेश्वर बिकॉज हमारा 1.5 घंटा बाइक की चाबी ढूंढने में ही गया और हमने पंचगिनी के भी पॉइंट्स मिस कर दिए। इट वॉज लेट नाइट जब हम महाबलेश्वर से निकले, सॉरी इट वॉज लेट इवनिंग जब हम महाबलेश्वर से निकले, सो इट वॉज ऑल डार्क अराउंड, बट हमें इतना कोई तकलीफ नहीं हुआ बाइक चलाने में। एंड वी रीच्ड पुणे बाय 9:30 एट नाइट। तो इसके लिए सोचा आज हम उनकी पूरी डिटेल आपको दें। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि अगली बार हम वेल प्लान करें और हमें ऐसे ज़रूर ना पड़े कि हम रात को ट्रैवल करें आफ्टर सनसेट। चलिए बातें तो चलती रहेंगी, हम ये व्यू के साथ हमारे बजे एंजॉय करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आप बताना हमें कि ये चीज आपको कैसी लगी, हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग विद द टॉल बॉय। एस टू व्हीलर्स आर नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेस वे, हमें जाना पड़ेगा ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से वाया खोपोली। और ये जो आपको सामने कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ब्रिज का, दैट इज मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। एज रोड्स वर एम्प्टी वी वर हैविंग फन एंड एंजॉयिंग द राइड। अनिल को देखो कैसे मस्ती कर रहा है। सो इट वॉज अ फन राइड और हमें फायदा हुआ अर्ली डिपार्चर का और हम आ पहुंचते हैं मुंबई। Experience of our first ride on Suzuki V-Strom, a tall boy. Did you enjoy? Yes, a lot. He enjoyed a lot his first experience of a bike ride. Let us know how did you like the vlog, our first moto vlog, और हम आगे ऐसे ही vlogs करते रहेंगे. Thank you. Bye.